हेलो दोस्तों, अनबॉक्सिंग रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम सेंटर शॉपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं क्या लेके आई हूँ वन बाई वन करके आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसका मैं पेपर को डिस्कार्ड कर देती हूँ। काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है होम सेंटर में, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी पैकिंग बहुत अच्छी करके देते हैं। तो देखिए, इसमें से फ्राई पैन निकला है। तो ये जो फ्राई पैन है, ये कार्बन स्टील फ्राई पैन है। देखिए आगे पीछे से देखने में कुछ इस टाइप से पैक होके आया है और यहाँ पर इसके टैग लगा हुआ है जिसपे इसके प्राइस लिखे हुए हैं। तो इसको मैंने रिमूव कर लिया है तो अंदर से कुछ पैन इस टाइप से निकला है। और ये रणबीर बरार का कलेक्शन है। आज जितना भी सामान मैं लेके आई हूँ वो सारा का सारा रणबीर बरार का कलेक्शन है। इस पैन में डबल लेयर नॉनस्टिक कोटिंग की गई है। पैन में एक्सीलेंट हीट कंडक्शन होता है, इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका जो डायामीटर है वो 26 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इसके वुडन हैंडल दिया गया है जो काफ़ी अच्छा ग्रिप का है। इसका जो बेस है वो एकदम फ्लैट है और जो इसकी साइड्स है ना वो थोड़ी सी वाइड दी गई हैं और जो बैक साइड है वो एकदम फ्लैट दिया गया है इंडक्शन के लिए। और इसके पीछे टैग दिया गया है और साथ में ही होम सेंटर लिखा गया है। इसका जो साइड्स हैं उसमें सीडी बॉटम दिया गया है, जो सीडी जैसी लाइंस होती है ना उस टाइप से दिया गया है। इसमें रिवेटेड हैंडल दिया गया है जिसमें थोड़ा सा स्टील का भी पार्ट लगा हुआ है वुड के साथ। इसका जो हैंडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है पकड़ने में, अंदर से नॉनस्टिक होने की वजह से काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी हैवी है ये। जैसे और नॉनस्टिक कुकवेयर होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, ये लाइट वेट नहीं है, ये हैवी है और काफ़ी यूज़फुल मुझे लग रहा है। वैसे मैं नॉनस्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन मुझे एक आधा नॉनस्टिक जल्दी के लिए चाहिए होता है तो ये काफ़ी हैवी है, मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा है ब्लैक। इसका जो वेट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 1-1.5 किलो का है। साथ में ही रणबीर बरार के यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। पैन के साथ वारंटी दी गई है 1 ईयर की, जिस दिन से आप इसको खरीदेंगे उसी दिन से वो वैलिड होगी। और मुझे ये फ्राई पैन MRP पे ही मिला है 1199, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। तो यहाँ पर फ्राई पैन के बारे में जो मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अब मैं आपको कोलेंडर विद मिक्सिंग बोल दिखाऊंगी। तो ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है सेम कलर का है, इसमें ग्रे और पर्पल कलर दिया गया है। ये काफी बड़े साइज का है तो देखिए इसको निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें से कोलेंडर को मैंने निकाल लिया है तो देखिए ये ग्रे कलर का है। इस कोलेंडर में जो होल दिए गए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है किचन में वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने के लिए। और इसके पीछे ये 3 स्टैंड दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हैंडल है वो भी काफ़ी स्टर्डी दिया गया है। तो ये स्ट्रेनर मुझे बहुत पसंद आया, इसमें जितनी भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी हैं, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। तो अब इसका मिक्सिंग बोल देख लेते हैं। तो ये मिक्सिंग बोल है जो काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसको हम सैलड वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं या हमें कोई चीज़ मिक्स करनी है उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। ये इतना बड़ा है कि इसमें आप कुछ स्टोर भी करना चाहें तो इसमें स्टोर कर सकते हैं आराम से। अंदर से देखने में कुछ इस टाइप का इसका शेप है। डबल बोल होने की वजह से ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता, एक के अंदर एक आ जाता है, काफ़ी अच्छे से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की ग्रिप दी गई है जिससे इसको हम सरफेस पे रखेंगे तो ये इधर उधर हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर बड़ा सा टैग लगा हुआ है, इसके बारे में बताया है कि कैसी क्वालिटी का है ये। ये भी रणबीर बरार का कलेक्शन है। इसका जो प्राइस है वो 399 है। यहाँ पर मिक्सिंग बोल भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है। इसका जो प्लास्टिक है वो फूड ग्रेड है और ये BPA फ्री है। आपको मिनी कटिंग बोर्ड दिखाने जा रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में आया है, इसके ऊपर पॉलीथीन रैप हो रखा है। पहले मैं इसकी पॉलीथीन को डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो इसके पॉलीथीन को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और ये टैग भी मैंने हटा दिया है। ये कटिंग बोर्ड नेचुरल और इको फ्रेंडली है और ये स्ट्रॉन्ग सरफेस एंड हाई ड्यूरेबिलिटी के साथ आया है। इसको आपने हैंड वॉश करना है और हैंड वॉश करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई करके आपको रखना है। मेरे पास काफ़ी कटिंग बोर्ड हैं जो बड़े साइज़ के हैं, मुझे एक छोटा भी चाहिए था जो मेरे को डेली यूज़ के लिए कभी कभी एक आधा अनियन काटने के लिए चाहिए था, तो मैंने इसको ख़रीदा है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे मिला है और काफ़ी ये स्मूथ है। और यहाँ पर इसके होम सेंटर लिखा हुआ है, इसके साथ हैंडल भी दिया गया है कि इजीली आप इसको उठा सकते हैं और जो इसकी शेप है वो तो यहाँ नज़र ही आ रही है। इसका जो प्राइस है वो 179 है। ये जो कटिंग बोर्ड है ये सिंगल वुड में आता है, बाकी होम सेंटर में देखिए प्राइस तो थोड़े से ज़्यादा होते ही हैं। अगला प्रोडक्ट दिखाने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना इंस्टा अकाउंट खोला है तो आप जाके उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हैं और लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी सेट ऑफ 3 बोल। ये जो बोल हैं ये फाइन बोन चाइना से बने हुए हैं। इसमें 2 बोल सेम है और एक अलग डिज़ाइन का है। और यहाँ पर देखिए इसमें पिजन पैरेट बना हुआ है और ये बेस इसका वाइट है और ये वाला टील ब्लू कलर का है, इसमें अलग सा ही कोई डिज़ाइन बना हुआ है।
तो ये जो बोल हैं ये फ्रीज़र सेफ़ है, माइक्रोवेव सेफ़ है, साथ में ही ये डिशवॉशर सेफ़ भी हैं। काफ़ी क्वालिटीज़ है इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुझे ये लगे हैं, इसलिए मैंने इनको ख़रीदा है। इनका जो MRP है वो 499 है, मुझे सेम प्राइस पे मिले हैं। ऊपर से थोड़ा वाइड है और नीचे से ये नैरो है, अंदर से देखने में कुछ इस टाइप के हैं। जितनी भी होम सेंटर से मैंने शॉपिंग की थी सारी आपको दिखा दी है। अब यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक लगा दिया है, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।